2008-09 करोड़ में स्टार्ट होती है, ओके इन एंड फुल स्पीड लेट्स गो एंड स्पीड एंड सिनेमैटिक बूम करेंगे। ऑलराइट राइट फुल स्पीड एंड ऑलराइट गाइस यार कैसे हो आप सभी लोग, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कमाल के वीडियो पे। एंड यहाँ पे होने वाला है गाइस यार इंडियन कार्स वर्सेस क्रैश टेस्ट चैलेंज। यार यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी इंडियन कार्स है, थार है, लैंड क्रूजर है, टाटा हैरियर है, स्कॉर्पियो एन है, किया सेल्टॉस है, फॉर्चूनर है, इनोवा। एंड यार क्रैश टेस्ट होगा कैसे, देखो यहाँ पे बगल में है एक रेलवे ट्रैक जहाँ से जाती है ट्रेन एंड हम लोग को फुल स्पीड में जा करके ट्रेन को सामने से टक्कर मार दी है यार। एंड इससे दो चीज़ें हो सकती है, या तो हमारी गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी, या तो ट्रेन ब्लास्ट हो जाएगी, या तो कुछ भी नहीं होगा, या फिर यार ट्रेन पटरी से उतर जाएगी, कुछ भी हो सकता है। बहुत मजा आएगा, वीडियो को एंड तक पूरा देखना। एंड उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या फिर अगर आप चैनल पे नए हो तो फटाफट से लाल वाले बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसे एक्सक्लूसिव कंटेंट रोज देखने को मिल सके। तो चलो गाइस यार गाड़ियों को टेस्ट करते हैं, लेट्स गो। ऑलराइट सो पहली गाड़ी यहाँ पे आ जाती है गाइस यार महिंद्रा की स्कॉर्पियो S11 ब्लैक कलर की, भाई काफी सेक्सी, काफी ज्यादा दबंग। एंड यार ट्रेन आ रही है, चलो भाई उसके आगे निकलना है। वैसे हमें यार एकदम सामने से टक्कर मारेंगे, लाइक रियल इंपैक्ट, भाई पावरफुल इंपैक्ट होना चाहिए, लाइक ट्रेन भी पटरी से उतर जाए ऐसा वाला टक्कर, ठीक है। खैर यहाँ पे काफी सीधा हम लोग ट्रैक पे आ चुके हैं, फुल स्पीड लेट्स गो। भाई साहब यहाँ पे यार मेरी मौत हो चुकी है एंड गाड़ी भी ब्लास्ट हो चुकी है। खैर चलो एक और बार गाड़ियों को टेस्ट करते हैं, बट इस बार मैं नहीं मरूंगा, मैंने मोड़ नहीं लगाया था यार। चलो भाई ऑलराइट गाइस बस अब इस बार हम लोग नहीं मरेंगे। अब बारी आ जाती है एंड्यूर की, फोर्ड एंड्यूर गाइस। यार नहीं पता क्यों इंडिया में डिसकंटिन्यू क्यों हो गई है यार, अगर ये इंडिया में होती ना भाई तो मैं लिटरली बता रहा हूँ फॉर्च्यूनर से ज़्यादा ये बिकती, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। बट खैर ट्रेन कहाँ है भाई, ट्रेन आ रही है, चलो भाई साहब आगे निकलते हैं, देखते हैं क्या एंड्यूर मजबूत है या नहीं। भाई स्कॉर्पियो की लाश पड़ी हुई है, एक तरीके से लाश ही है भाई वो। चलो भाई फुल स्पीड ओके एंड काफ़ी इम्पैक्ट। भाई साहब यहाँ पे एंड्यूर की भी हालत खराब है एंड आग लग चुकी है, मुझे उतरना पड़ेगा ओके। ऑलराइट यार यहाँ पे क्या ग्लिच है, वैसे मैं गाड़ी में अपना बैठे क्यों रह जाता हूँ यार, ये क्या हो गया भाई। बट खैर जो भी कहो यहाँ पे एंड्यूर की हालत खराब हो चुकी है, लाइक गाड़ी पूरी की पूरी ब्लास्ट हो चुकी है एंड पूरे चक्के भी फट चुके हैं यार, गाड़ी की बहुत ज़्यादा हालत खराब है, अभी तक एक भी गाड़ी नहीं टिक पाई है। चलो अगली गाड़ी को ट्राई करते हैं यार। अब बारी आ जाती है इनोवा क्रिस्टा 2022 मॉडल, भाई ये टॉप मॉडल है, 2.7Z इसका मॉडल नंबर भी आप देख सकते हो। चलो भाई ट्रेन भी आ रही है, बट यार इनोवा को ये वाली जो इनोवा इसे कहा जाता है कि ये इसमें जो इंजन डला हुआ है वो सेम टू सेम फॉर्चूनर जैसा परफॉर्म करता है, लाइक यार फॉर्चूनर जैसी पावर है ये वाली इनोवा में। बट खैर देखते हैं बिल्ड क्वालिटी गाड़ी का कैसा है, वैसे यार पावर तो मुझे फिर भी कम ही लग रही है भाई। इनोवा का वैसे भी पिकअप थोड़ा सा धीरे ही रहता है ओके। ऑलराइट ट्रेन आ रही है भाई साहब एंड यहाँ पे यार इनोवा ने झेल लिया है एंड इनोवा ठीक है भाई, उतना ज़्यादा उसको डैमेज नहीं हुआ, बॉडी डैमेज है बट हाँ ओके इंजन भी डैमेज है, गाड़ी बहुत धीरे हो गई है। ऑलराइट एक और टक्कर, ओके टक्करी टक्कर देते हैं, कब तक फटती है देखते हैं। ऑलराइट यार ट्रेन, ओह शिट ट्रेन जा चुकी है एंड गाड़ी की बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, बट इंजन को भी डैमेज हुआ है, बट खैर गाड़ी सही सलामत है गाइस। यार गाड़ी को चलो यहाँ पे रखते हैं एंड चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने, लेट्स गो। एंड पहली गाड़ी यहाँ पे टोयोटा की तरफ से आती हुई इनोवा क्रिस्टा 2022 मॉडल, जो कि चैलेंज को पार कर चुकी है, तो चलो अगली गाड़ी को ट्राई करते हैं। अब बारी आ जाती है गाइस यार टोयोटा की फॉर्च्यूनर 2022 एडिशन, टॉप नॉच अभी की जो रिसेंट लॉन्च हुई। चलो देखते हैं, ट्रेन भी आ रही है फुल स्पीड एंड चलते हैं ट्रेन के आगे। ऑलराइट फुल स्पीड यार काफ़ी प्यारा, ट्रेन से आगे निकलते हैं भाई हम लोग। ट्रेन यहाँ पे यार गेम में लॉस सैंटोस की ट्रेन थोड़ी सी स्लो है एज़ कम्पेयर टू कार वगैरह, यार इंडिया में तो भाई क्या ही ट्रेन चलती है इतनी ज़्यादा तेज़ की, यार आप कंपेयर कर सकते हो, लाइक कुछ कुछ कार रहती है जो टक्कर दे सकती है ओके। ऑलराइट एंड भाई साहब गाड़ी के चक्के वगैरह उड़ गए, भाई मुझे उतरना चाहिए यार, गाड़ी के टायर वगैरह भी फटना चालू हो गए हैं, गैस नहीं टायर वगैरह अभी तक तो ठीक है बट ओके एक साथ सामने के दोनों टायर फट गए एंड गाड़ी भी तबाह हो चुकी है भाई साहब। फॉर्चूनर इसलिए फटी यार क्योंकि गाड़ी यार आप लोगों को पता है बहुत पावरफुल रहती है एंड इंजन वगैरह भी पूरा सामने रहता है एंड बिल्ड क्वालिटी पे यार ध्यान दिया जाता है, बट नहीं पता क्यों यहाँ पे फॉर्चूनर फेल हो चुकी है। चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने यार। अब बारी आ जाती है महिंद्रा की शान गाइस यार, महिंद्रा थार 2021 एडिशन रेड कलर की
एंड ट्रेन भी आ रही है भाई साहब। यार थार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है लिटरली भाई, लेकिन यार ये मेरे स्क्रिप्ट में नहीं था। खैर ओके सीधी हो जाए, वैसे थार बहुत जल्दी सीधी हो जाएगी भाई। वन ऑफ द बेस्ट ऑफ रोडिंग गाड़ी है, इंडिया की नहीं यहाँ तक की पूरी दुनिया की। अगर आप जी वैगन के साथ भी अगर इसको कंपेयर करते हो ना भाई, यार जी वैगन तक को टक्कर दे देती है, कहाँ को करोड़ों की एंड ये कहाँ लाखों की भाई, ये 18-20 लाख में आ जाती है। एंड जी वैगन तो आप लोगों को बताया गाइस यार 8-9 करोड़ में स्टार्ट होती है ओके। एंड भाई साहब देख सकते हो थार भी ये टक्कर को झेल ली है एंड यहाँ पे एक गेट टूट गया है। बाकी गाड़ी पूरी चंगी है, अंदर से देखा जाए तो यार एक तरफ से खोखली लग रही है, कांच वगैरह भी टूट गए हैं, बट गाड़ी फर्स्ट क्लास है गाइस यार। महिंद्रा की थार ने ये चैलेंज को सरवाइव कर लिया है भाई साहब, काफ़ी प्यारा परफॉर्मेंस। थार ओपी इन द चैट गाइस यार, गाड़ी डैमेज है बट गाड़ी ने सरवाइव कर लिया है। चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने। अब बारी आ जाती है गाइस यार रेंज रोवर की। भाई बहुत दिनों बाद ये गाड़ी को मैं गेम में लाया हूँ, लाइक यार बहुत ही ज़्यादा मजबूत तो नहीं कहूँगा बट बहुत ही ज़्यादा फंक्शनल गाड़ी है। यहाँ पे गाइस यार ट्रेन भी आ रही है एंड गाड़ी मजबूत भी है भाई यार, यहाँ पे काफ़ी प्यारा स्पीड भाई यार। गाड़ी का पिकअप देख रहे हो ओके, ब्रेक 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 भाई कुछ ज़्यादा ही आगे आ गए हम लोग ओके, कोई दिक्कत नहीं गाइस ओके। ट्रेन आ रही है, फुल स्पीड में टक्कर देते हैं, कुछ ज़्यादा स्पीड में टक्कर होगा लग रहा है। एंड ओ भाई साहब ये क्या देखने को मिल रहा है गाइस, 200 के स्पीड में टक्कर हुआ एंड गाड़ी ने सरवाइव कर दिया भाई। रेंज रोवर इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे है भाई, लाइक सीरियसली 200 के स्पीड पे टक्कर हुई है भाई ये। यार मैं तो सोचा ही नहीं था लाइक रेंज रोवर भी इतनी ज़्यादा मजबूत होगी भाई। रेंज रोवर ओपी इन द चैट यार, टोटली अनएक्सपेक्टेड, लाइक यार कसम से मैं बता रहा हूँ मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ देखने को मिलेगा एंड बट यहाँ पे गाड़ी ने ये चैलेंज को सरवाइव कर दिया भाई साहब, काफ़ी प्यारा परफॉर्मेंस यार। चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने। यार अब बारी आ जाती है टाटा हैरियर की 2022 एडिशन भाई, फुल स्पीड ट्रेन भी आ रही है, लेट्स गो। ट्रेन के आगे जाना है हमें एंड यार हैरियर की स्पीड अच्छी है भाई, हैरियर पकड़ बहुत जल्दी लेती है, लाइक पिकअप बहुत अच्छा है गाड़ी का एंड ऑफ रोडिंग के लिए यार आप इसे यूज़ कर सकते हो ओके। काफ़ी प्यारा धूल उड़ाई गाड़ी ने एंड फुल स्पीड लेट्स गो। एंड भाई साहब टकराते साथ ही टाटा के तो अंजर पंजर पूरे ढीले हो चुके हैं भाई, गाड़ी पूरी जल चुकी है एंड टायर्स वगैरह भी अभी तक नहीं जले ओके, जलना चालू हो चुके हैं एंड भाई साहब गाड़ी की हालत कुछ ऐसी बन चुकी है देख के लग भी नहीं रही भाई ये टाटा हैरियर है। बट खैर काफ़ी प्यारा परफॉर्मेंस था, मज़ा आ गया यार, गाड़ी ने सर्वाइव तो नहीं किया बट खैर काफ़ी प्यारा था। चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने। ये है गाइज यार Hyundai की i20 गाइज यार। आज की वीडियो में सारी की सारी इंडियन कार्स को लाऊंगा सोचा हूँ मैं, मेरे पास जितनी भी है लाइक जो भी बची हुई है सबको लाएंगे। फिलहाल i20 का परफॉर्मेंस देखते हैं, ट्रेन भी आ रही है एंड भाई साहब ये टॉप मॉडल है i20 की जो अभी अभी लॉन्च हुई है 2022 वाली। देख सकते हो यार आप लोग को लुक से ही पता चल रहा होगा, जिन लोग i20 लवर है उन लोग को पता होगा। खैर चलो भाई साहब टक्कर मार दिए फुल स्पीड ओके एंड भाई साहब ट्रेन से टक्कर होने के बाद गाड़ी फेंक आ गई बट गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ एक और टक्कर हो जाए भाई, i20 कैसे फटी नहीं भाई, इतनी ज़्यादा मजबूत यार i20 हो कैसे सकती है यार ओके। रुको ट्रेन के थोड़ा आगे चलते हैं और राइट एक और टक्कर मारेंगे, लाइक दो टक्कर यार मुझे देखना है, लाइक यार गाड़ी कैसे सर्वाइव कर ली भाई ओके। फुल स्पीड एंड भाई साहब पेड़ से भी टकरा गया, इससे भी टकरा गया बट यहाँ पे i20 को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो गाइस यार यहाँ पे i20 को मैं विनर बनाता हूँ, लाइक वन ऑफ दी मजबूत गाड़ी है यार यार आज देखने को मिल गया। यार ये नई गाड़ी है यार, i20 की टॉप मॉडल है, हो सकता है इस बार यार i20 में काफ़ी तगड़ा इंप्रूवमेंट किया गया हो एंड दिख भी रहा है भाई काफ़ी तगड़ा इंप्रूवमेंट, लाइक दो टक्करों के बावजूद भी यहाँ पे Hyundai i20 टिक पाई है। तो चलो गाइस यार अगली गाड़ी को ट्राई करते हैं, Hyundai i20 ओपी इन द चैट गाइस। चलो ये है गाइज यार महिंद्रा की न्यू स्कॉर्पियो एंड द बिग डैडी ऑफ ऑल SUVs, देखते हैं क्या ये गाड़ी टिक पाएगी ट्रेन के सामने या नहीं। लेट्स डू दिस गाइज, फुल स्पीड यार, गाड़ी का पिकअप काफी जोरदार है 260 ओके सॉरी यार i20 से टक्कर हो गई स्टार्टिंग में बट खैर कोई बात नहीं, ट्रेन दिख रही है मुझे, सिनेमैटिक शॉट लेंगे फुल स्पीड ओके एंड भाई साहब यहाँ पे गाइस यार महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन भी टिक चुकी है बट यार गाड़ी का इंजन थोड़ा सा बंद सा लग रहा है मुझे ओके। गाड़ी कैसे हो रही है भाई, गाड़ी के लेकिन रुको गाड़ी चालू है बट यार यहाँ पे
स्कॉर्पियो एन ने ये चैलेंज कर दिखाया, चक्के वगैरह थोड़े मुड़ चुके हैं यार, इसलिए चलाने में भी दिक्कत आ रही है, बट गाड़ी को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। सामने बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है इंजन वगैरह में, आई गेस मुझे काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा गाड़ी को बनाने में, बट खैर गाड़ी अच्छी खासी कंडीशन में ब्लास्ट तो नहीं हुई भाई, बाकी गाड़ियाँ तो राख बन चुकी है भाई। वहाँ पे देखो यार एंड्यूवर है, आई गेस यार एंड्यूवर है कि कौन सी गाड़ी है, लाइक पूरी राख बन चुकी है। चलो अगली गाड़ी को ट्राई करने चलते हैं, स्कॉर्पियो एंड ओपी इन द चैट। चलो भाई यार अब बारी आ जाती है फॉर्च्यूनर लेजेंडर की भाई, देखते हैं चलो कैसा ये परफॉर्म करती है, लेट्स डू दिस गाइस। यार गाड़ी वैसे बहुत ज़्यादा मजबूत लग रही है एंड ट्रेन भी आ रही है, चलते हैं आगे। ऑलराइट ओके यार गेम में क्या हो रहा था ग्लिच वगैरह, बट खैर गाड़ी मिस बैलेंस काफ़ी तगड़ा, एक गेट तो यहीं पे टूट गया है, बट खैर ट्रेन आ रही है। चलो भाई अपने को टक्कर पे फोकस रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है। ऑलराइट फुल स्पीड एंड ओ भाई साहब यहाँ पे लेजेंडर का तो पापड़ बन चुका है भाई, गाड़ी अब देख के लेजेंडर नहीं लग रही है, ये तो यार सिलेरियो की तरह दिख रही है मुझे, बट खैर काफ़ी यार गंदा ही परफॉर्मेंस मैं कहूँगा यार। फॉर्च्यूनर भी फट गई थी एंड लेजेंडर भी फट गई भाई, यार आज थोड़ा दिन खराब ही लगता है टोयोटा का, बट यार आई गेस टोयोटा की एक गाड़ी बच गई, क्या फॉर्च्यूनर बच गई थी, क्या नहीं इनोवा बच गई थी गाइस, टोयोटा की इनोवा बच गई थी, फॉर्च्यूनर दोनों यहाँ पे ब्लास्ट हो चुकी है। चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने। अब बारी आ जाती है गाइजर लैंड क्रूशर की एंड भाई साहब ये है टॉप मॉडल टोयोटा की लैंड क्रूशर, जो कि भाई पाकिस्तानी में शायद आई थिंक फेमस है एंड इंडिया में भी बहुत ज़्यादा फेमस है। चलो भाई ट्रेन वैसे भी आ रही है, अपना ट्रेन छूट जाएगा, गाड़ी का पिकअप एक नंबर है, ऑफ रोडिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट गाड़ी है, लाइक यार बहुत अच्छी है, लाइक एंड्यूवर तक को टक्कर दे सकती है भाई, ये काफ़ी सही गाड़ी है, बट यार क्या लगता है ट्रेन के सामने इसकी बिल्ड क्वालिटी टिक पाएगी या नहीं भाई साहब, चलो देखते हैं। ओके ट्रेन भी काफी स्पीड में, हम लोग भी काफी स्पीड में, भाई साहब ट्रेन ने तो यार एंड इसको लैंड क्रूजर को साइड में ढकेल दिया एंड गाड़ी के टक्के चक्के पूरे फट रहे हैं भाई साहब, देख सकते हो यार उधर तरफ के फट गया एंड इधर तरफ का तो भाई चक्का ही निकल गया यार, सस्पेंशन देखो वो दिख रहा है यार, चक्का कहाँ गया भाई, यहीं कहीं फेंकाया होगा इसके एक चक्के, बट खैर यार यहाँ पे ओके वहाँ पे उतना दूर जाके गिरा हुआ है भाई चक्का इसका, भाई साहब यार लैंड क्रूशर तो टिक भी नहीं भाई यहाँ पे यार, आज थोड़ा टोयोटा की गाड़ियाँ पीछे रह जा रही है, बट खैर कोई बात नहीं यार, महिंद्रा की भी दो ही गाड़ियाँ यहाँ पे कर दिखाई है, वो भी एक स्कॉर्पियो एन है एंड यहाँ पे थार है, एंड टोयोटा की बोलोगे तो एक यहाँ पे इनोवा है, बस उसके अलावा कुछ नहीं, वो भी टॉप मॉडल एंड रेंज रोवर कैसे टिक गई भाई ये मैं थोड़ा शौक हूँ, एंड ह्यूंडई की i20 भी कैसे टिक गई इससे देखकर भी मैं शौक हूँ। तो चलो गाइस यार अगली गाड़ी को ट्राई करते हैं, यार यहाँ पे मैंने तीन चार गाड़ियों को ऐड किया है, तो पहले हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं टाटा नेक्सॉन को, फिर एक्सयूवी, फिर स्विफ्ट, फिर यहाँ पे चार गाड़ियाँ पीछे जो खड़ी है, पहले चलो भाई देखते हैं टाटा नेक्सॉन। भाई टाटा की गाड़ियाँ बहुत मजबूत होती है मैंने सुना है, टाटा नेक्सॉन वन ऑफ द सेफेस्ट गाड़ियों में से एक है, बट क्या वो ट्रेन का सामना कर पाएगी या नहीं, चलो देखते हैं यार टाटा नेक्सॉन की आज रियल क्या कहते हैं उसे यार पावर टेस्ट की जाएगी। चलो भाई साहब ओके ऑलराइट गाड़ी तो उछल गई भाई, गाड़ी सीधी हो ओके हम लोग थोड़ा सा लेट है, बट कोई गल नहीं, फुल स्पीड एंड भाई साहब काफ़ी इम्पैक्टफुल टक्कर, लेकिन उतना ज़्यादा मुझे यहाँ पे डैमेज देखने को नहीं दिख रहा है टाटा नेक्सॉन पे, यहाँ पे नेक्सॉन ने ये चैलेंज कर दिखाया एंड काफ़ी प्यारा परफॉर्मेंस यार नेक्सॉन ओपी भाई, मुझे लगा था मतलब क्या कहते हैं यार नेक्सॉन भी फट जाएगी यार, क्योंकि छोटी गाड़ी है एंड आप लोग में से बहुत लोग बोलोगे कि स्पीड कम था गाड़ी का ये वो, बट ऐसी कोई बात नहीं है यार, स्पीड कम रहने से भी कोई कोई गाड़ियाँ फट जाती है, अगर आप पीछे करके देखोगे तो दो तीन गाड़ियाँ कम स्पीड में भी फटी थी, बट यहाँ पे नेक्सॉन ने सर्वाइव कर लिया भाई, टाटा की गाड़ियाँ सच में बहुत ज़्यादा ही मजबूत होती है एंड यहाँ पे नेक्सॉन ने ये बात को साबित कर दिखाया है। अब चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने। अब बारी आ जाती है गाइजर XUV 700 की भाई, व्हाइट कलर की यार, बेबी व्हाइट कलर है, देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है भाई, ट्रेन तो आ रही है ओके पिकअप थोड़ा सा लाइक लगता है यार एंड अभी की जो XUV 700 आने लगी है वो तो यार फुल्ली ऑटोमेटिक कार हो गई है, मतलब लाइक कुछ ज़्यादा ही इलेक्ट्रिक फीचर्स दे दिया है गाड़ी में, वैसे यार गाड़ी सीधी हो जा ओके ऑलराइट फुल स्पीड लेट्स गो एंड बूम। ओ भाई हाँ यार मैंने अभी फिर से मोड हटा दिया था, बट खैर कोई बात नहीं गाइस यार हम लोग मर चुके हैं एंड XUV 700 का भी गेम ओवर हो चुका है। यार अब बारी आ जाती है स्विफ्ट डिजायर की, लाइक ये डिजायर नहीं है खाली स्विफ्ट है,
देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है यार। छोटी सी हल्की सी स्विफ्ट भाई, लेकिन मॉडिफाइड है ये। लाइक स्पीड भी आप देख सकते हो, स्पीड से पता चल रहा होगा भाई 200 का स्पीड पकड़ रही है यार स्विफ्ट। 200 पकड़ लेते हो यार गाड़ी का अपने लग जाए, बट खैर चलो भगाते हैं यहाँ पे फुल स्पीड। एंड भाई साहब, एंड यार ये क्या देखने को मिल रहा है मुझे, स्विफ्ट सर्वाइव कर ली भाई, ये तो कुछ अलग ही स्कैम है। रुको मुझे एक बार और टक्कर मार दी भाई, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कसम से यार, स्विफ्ट झेल ही नहीं सकती भाई। ओके ऑल राइट, आराम से गाड़ी पलट गई। ओके ठीक है, चलता है इतना, ट्रेन आ रही है ना। ऑल राइट चलो भाई साहब, एंड दूसरा टक्कर भी झेल ली भाई। ये क्या देखने को मिल रहा है भाई, स्विफ्ट कैसे ब्लास्ट हुई ब्रो ब्रो, ये क्या स्कैम था यार। खैर जो भी गो यार, यहाँ पे स्विफ्ट ब्लास्ट, ओ शिट, लेकिन डैमेज बहुत ज़्यादा हो गई है। एंड लाइक गाड़ी अब चल भी नहीं रही भाई, एंड हैंडल भी अब थोड़ा सा क्या हो रहा है मेरे से, गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही। बट खैर कोई बात नहीं, स्विफ्ट ने यहाँ पे काफ़ी प्यारा परफॉर्मेंस दिखाया, गाड़ी ब्लास्ट नहीं हुई लेकिन गाड़ी बंद ज़रूर हो चुकी है। खैर कोई बात नहीं यार, नहीं पता कैसे स्विफ्ट सर्वाइव कर ली भाई, मुझे लगा था ये तो एक ही टक्कर में बूम कर जाएगी, बट खैर कोई बात नहीं, काफ़ी प्यारा परफॉर्मेंस स्विफ्ट का। चलो खैर कोई ना, स्विफ्ट को मैं ना थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, ठीक है। लाइक जब कोई अगली ट्रेन आएगी तो बूम सा टक्कर हो एंड तब गाड़ी फट जाए, पटरी के ऊपर रख देते हैं ठीक है गाड़ी को। ऑल राइट यहाँ पे रख देते हैं। चलो भाई साहब अब चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने। अब बारी आ जाती है गाइज यार बुलेरो की, एंड क्या लगता है गाइज बुलेरो ये चैलेंज पे सरवाइव कर जाएगी। वैसे ट्रेन तो आ रही है, फुल स्पीड में चलते हैं ट्रेन के आगे। ओके ऑल राइट, थोड़ा सा अनस्पीडेबल हो जाती है गाड़ी। ओके ऑल राइट यार, थोड़ा सा मैं गलत जा रहा हूँ बट खैर कोई बात नहीं, मुझे लगा यहाँ से चढ़ जाएगी गाड़ी, बट खैर यहाँ से चढ़ाते हैं। ऑल राइट फुल स्पीड एंड सिनेमैटिक बूम करेंगे। ऑल राइट एंड भाई साहब बुलेरो यहाँ पे सरवाइव कर चुकी है भाई, मुझे लगा था ये गाड़ी फट जाएगी, बट यार महिंद्रा की एक और गाड़ी जो ये चैलेंज को सरवाइव कर पाई है भाई साहब, बुलेरो। एंड ये पुरानी वाली बुलेरो है भाई, आई गेस 2019 वाली है, 2019 की, एंड सरवाइव कर ली भाई, गाड़ी को ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। और स्कॉर्पियो, यहाँ पे तीन बुलेरो महिंद्रा की गाड़ी है, एक यहाँ पे महिंद्रा की थार है एंड एक क्या कहते हैं यहाँ पे स्कॉर्पियो एंड बुलेरो है भाई। स्कॉर्पियो S11 फट गई थी यार, उसका इंजन नहीं पता कैसे क्या हो गया बट फट गई थी, बट बुलेरो यहाँ पे झेल ली भाई, कैसे यार ये टोटली अनएक्सपेक्टेड, बट खैर कोई बात नहीं, चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने यार। अब बारी आ जाती है विटारा ब्रेजा की, देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है भाई। विटारा ब्रेजा यार एक तरीके से ऑलराउंडर गाड़ी है यार, लाइक अगर मेरे पास थोड़े बहुत पैसे होते तो लाइक मैं विटारा ब्रेजा उठाता, क्योंकि देखो ऑफ रोडिंग भी गाड़ी में हल्का फुल्का हो जाता है एंड साथ ही साथ बहुत अच्छा आप लोगों को यहाँ पे कंट्रोल भाई SUV वाली मतलब सस्ते दाम में मिल जाती है। विटारा ब्रेजा थोड़ी बजट में आ जाती है यार, इसलिए मुझे विटारा ब्रेजा थोड़ी सी अच्छी लगती है यार कसम से। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो यार, अगर आप लेना चाहते हो कार वगैरह तो विटारा ब्रेजा वन ऑफ द बेस्ट चॉइस होगी अगर आपको लेना है तो, ठीक है पहाड़ वगैरह जाने में भी दिक्कत नहीं है। बट ट्रेन भाई साहब, बट वो ट्रेन के सामने टिक नहीं सकती। एंड गाइज यार ये यार आप लोग वैसे भी ट्रेन क्रैश तो करोगे नहीं ना, खैर गाड़ी के चक्के वगैरह तो अभी तक नहीं फूटे, बट यार फूटना चालू है एंड बूम फूट गया। एंड गाड़ी की हालत देखो, लाइक पूरे गेट नहीं, एक तरफ का गेट टूटा है, पीछे का पूरा टूट चुका है, सामने तरफ तो भाई पूछो ही मत। तो खैर यार विटारा ब्रेजा यहाँ पे ट्रेन के सामने टिक नहीं पाई। अब चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने यार। अब बारी आ जाती है MG हेक्टर प्लस की भाई, टॉप मॉडल 2022 की, देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है भाई। बहुत ज़्यादा मजबूत है मैंने सुना यार अब की जो MG हेक्टर आई है, बट यार MG की मुझे एक चीज़ पसंद नहीं आती भाई, कुछ ज़्यादा ही ओवर फंक्शन दे देती है यार, जिसकी वजह से गाड़ी को कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल हो पाता है। एंड अगर आप कहीं पर पहाड़ वहाड़ में फंस जाओ तो यार उसको मैकेनिक ढूंढना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे गाड़ी सीधी हो जाओ भाई, ओके जल्दी हो यार, ट्रेन निकल रही है हमारी। ओके चलो भाई साहब, वैसे यार गाड़ी की पिकअप अच्छी है तो हम लोग ट्रेन के आगे भी जा सकते हैं, जीरो दिक्कत होगी। ऑल राइट यहाँ से टक्कर लेते हैं। ऑल राइट यार कांच टूट गई, बट खैर फुल स्पीड। ओके एंड भाई साहब पहला टक्कर में तो झेल ली ट्रेन, लेकिन मुझे लगता है टक्कर उतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं थी, तो एक और टक्कर देंगे यार। यहाँ पे हमारी स्विफ्ट अभी तक खड़ी है यार, ट्रेन को आने तो ट्रेन टक्कर मार के उड़ाई देगी वैसे तो। ओके ऑल राइट चलो हम लोग यहाँ से टक्कर मारते हैं, लेट्स गो। वैसे यार स्विफ्ट तो हट जाए यार, ओ भाई साहब डबल इम्पैक्ट पड़ा एंड गाड़ी अभी भी चंगी हो भाई, पुलिस वाले यहाँ खड़े हैं भाई। खैर एक बार यार टक्कर मुझे मारनी है यार, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिससेटिस्फाई हूँ। यहाँ पे यार इतना सारा जंगल कब से आ गया यार, ये एरिया में मैं पहली बार आ रहा हूँ लग रहा है मुझे, एंड आप लोग भी आई गेस पहली बार ये जगह देख रहे हो यार, मैं को ऐसा लग रहा है। बट खैर चलो टक्कर मारते हैं। एंड भाई साहब यहाँ पे MG हेक्टर प्लस बहुत ज़्यादा मजबूत है, दो दो टक्कर होने के बावजूद भी भाई गाड़ी को
और डैमेज तो हुआ है बट यार गाड़ी चल रही है भाई अब, बट मोड़ नहीं रही मेरे से। ओके मोड़ने में बहुत दिक्कत हो रही है गाड़ी को। ऑल राइट, और एक पल के लग रहा है मुझे गाड़ी पलट भी जाएगी भाई साहब। गाड़ी बस सीधी सीधी चल रही है, ब्रेक एंड ब्रेक भी गाड़ी का खत्म हो गया है भाई सीरियसली। लेकिन गाड़ी रुक गई, कोई बात नहीं, काफ़ी प्यारा परफॉर्मेंस यार MG Hector प्लस का, मज़ा आ गया। चलते हैं अगली इंडियन कार को ट्राई करने। अब बारी आ जाती है गाइस यार किया सेल्टॉस की भाई, देखते हैं क्या ये गाड़ी ये चैलेंज को झेल पाएगी। वैसे मैं दो तीन गाड़ियों को और ऐड करूंगा सोच रहा हूँ, लाइक अर्टिगा वगैरह को, तो फिलहाल चलो देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है। वैसे ट्रेन आ रही है, उस शेट गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा एंड यार गाड़ी एक तरफ से थोड़ी सी हेडलाइट फूट गई है, बट चलता है, इससे उतना इम्पैक्ट पता नहीं चलेगा। ओके ऑल राइट, देखते हैं क्या सेल्टॉस ये चैलेंज को झेल पाएगी। ऑल राइट चलो भाई साहब फुल स्पीड। ओके एंड भाई साहब सेल्टॉस ने झेल लिया, अभी पहले टक्कर में तो झेल लिया, मैं एक दो टक्कर और मारूंगा सोच रहा हूँ। चलते हैं आगे। ऑलराइट फुल स्पीड, ट्रेन के आगे निकलना है यार, यहाँ पे ट्रेन के आगे निकलना बहुत आसान है, लाइक इंडियन ट्रेन्स के आगे निकलना तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत। ओके गाड़ी का बैलेंस बिगड़ रहा है, पहले टक्कर की वजह से गाड़ी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, बट खैर गाड़ी कंट्रोल करने लायक तो है यार, क्योंकि एक तरफ का बॉडी उतना कुछ गया नहीं है। एंड दूसरे टक्कर में तो भाई गाड़ी फेंका गई थी, बट यार गाड़ी ने ये चैलेंज को सर्वाइव कर दिया एंड अब यहाँ पे पुलिस भी नहीं दिख रही। ओ भाई साहब मुझे लगा मैं उसके ऊपर से निकल जाऊँगा, बट खैर यहाँ पे किया सेल्टॉस बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गई है एंड यार गाड़ी अब मेरे से चल भी नहीं रही भाई। बट खैर गाड़ी का परफॉर्मेंस एक नंबर था, दो तीन टक्कर गाड़ी ने यहाँ पे झेल लिया है, बट मज़ा आ गया भाई। गाड़ी लेकिन अब चालू नहीं है, बंद हो गई है, आई गेस ऑयल वगैरह लीक हो गया एंड इंजन का डिज़ाइन भी तो देखो भाई कैसा हो गया है सामने से बॉडी। बट खैर चलते हैं, चलो अगली गाड़ियों को ट्राई करने, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस यार मैंने यहाँ पे तीन गाड़ियों को और ऐड किया, एक है यहाँ पे क्रेटा, एक है यहाँ पे अर्टिगा एंड एक है यहाँ पे बलेनो गाइस। चलो पहले बलेनो को ट्राई करते हैं यार, बहुत दिनों बाद बलेनो लाइक गेम में आई है। ओके ट्रेन भी आ रही है, लेट्स गो। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम लग रहा है यार, वैसे ये बहुत पुरानी वाली बलेनो है, लाइक आई गेस 2020 वाली है या 2019 वाली है, इसलिए मैं इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, थोड़ी पुरानी हो गई, आउटडेटेड है, बट खैर कोई बात नहीं। फुल स्पीड एंड भाई साहब काफ़ी गंदा टक्कर, लाइक एक ही टक्कर में भाई सामने के चक्के तो फिका गए उड़ के एंड गाड़ी के जीतड़े उड़ चुके हैं भाई साहब, चक्के भी फटना चालू हो चुके हैं भाई। यहाँ पे बलेनो का एक ही बार में गेम ओवर हो चुका है, तो खैर कोई बात नहीं, चलते हैं अर्टिगा को ट्राई करने। यार अब बारी आ जाती है अर्टिगा 2022 टॉप मॉडल, जो कि अभी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है भाई, आप लोग के बहुत डिमांड आने पर मैंने इस गाड़ी को ऐड किया है। फिलहाल चलो ट्रेन आ रही है, आगे निकलते हैं। ओह शिट भाई बैनर का तो मैं दिखाई नहीं यहाँ पे। राइट आराम से गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्रेन आ रही है। ओके चलो भाई साहब ट्रेन को अपनी गाड़ी को मोड़ा जाए वैसे। ओके ऑलराइट यार चलो ट्रेन को टक्कर मारते हैं फुल स्पीड। ऑलराइट एंड भाई साहब यहाँ पे अर्टिगा ने इतने तगड़े टक्कर, लाइक लिटरली गाड़ी को पीछे करके देखो, मतलब वीडियो को पीछे करके देखो, गाड़ी को नहीं यार, आप लोग को अर्टिगा की स्पीड 150 के ऊपर दिखेगी, लाइक इतना ज़्यादा स्पीड में भी गाड़ी ने इतना तगड़ा परफॉर्म दिखाया भाई, काफ़ी प्यारा। अर्टिगा ओपी इन द चैट यार, मैं नहीं सोचा था अर्टिगा इतना तब भाई परफॉर्मेंस कर पाएगी, तो भाई अर्टिगा ओपी इन द चैट यार। यहाँ पे सुजुकी की आई गेस यार पहली गाड़ी जो है चैलेंज को कर पाई है, तो चलो चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने। ये है गाइस यार आज की लास्ट गाड़ी, ह्युंडई की क्रेटा एंड देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है। वैसे ये थोड़ी सी पुरानी वाली क्रेटा है, लाइक 2020 मॉडल यार, एक दो साल पुरानी है बस, ज़्यादा भी नहीं, बट खैर देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है। इसे ट्राई करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो भाई यार, पैसे नहीं लगते एंड तुम्हारा भाई रोज़ दो दो वीडियोज़ बनाता है आप लोग के लिए एंड आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो बहुत बुरा लगता है। वैसे क्रेटा पलट गई यार, खैर कोई बात नहीं, आप लोग यार फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबा करके हमारी फैमिली को 40,000 सब्सक्राइबर दिला दो गाइस यार। वैसे भी हम लोग 40,000 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब है, लाइक 200-300 सब्सक्राइबर बचे होंगे आई गेस जब आप ये वीडियो देखोगे। फुल स्पीड एंड भाई साहब क्रेटा के तो चीथड़े उड़ गए, लाइक यार ये गाड़ी परफेक्ट एग्जांपल है, स्पीड मैटर नहीं करता, ये गाड़ी का स्पीड 100 के आसपास था एंड 100 के स्पीड में भी टक्कर होने के बावजूद यहाँ पे क्रेटा में इतनी जल्दी लाइक यार धमाका देखने को मिल गया। बट खैर क्रेटा ब्लास्ट हो चुकी है एंड यहाँ पे हम लोग को सारे गाड़ियों के क्या कहते हैं लिस्ट मिल चुकी है, जो जो गाड़ियाँ विनर है, लाइक यार अर्टिगा है, बुलेरो है,
टाटा नेक्सॉन है और एमजी हेक्टर प्लस है, रेंज रोवर है, थार है और इनोवा क्रिस्टा 2022 मॉडल एंड स्कॉर्पियो एन एंड यहाँ पे i20 गाइस। ये सब गाड़ियों ने काफ़ी प्यारा परफॉर्मेंस दिखाया एंड यार ये इस खतरनाक ट्रेन के सामने टिक पाई है, तो यार काफ़ी मजा आया, वीडियो अच्छा लगा। ओ शेट भाई बहुत जोर से लगा होगा, कसम से बहुत जोर से लगा होगा फ्रैंकलिन को, बट खैर कोई बात नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, चैनल पे अगर आपने हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब करना, यार सब्सक्राइब तो करना ही करना क्योंकि हम लोग 40,000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं। तो मिलता है अगले वीडियो पे, तब तक अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन में आपको 2-3 वीडियो दिख रहे होंगे, आप इन्हें देखो, बहुत मजा आएगा। तब तक ले बाय बाय टाटा एंड लव यू ऑल गाइज, बाय।